बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सीखने को मिला, बहुत आसानी से, बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। प्रोडक्शन भी संभाल रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ विलन को नहीं संभाल रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबको एक साथ वो करके रखा हुआ। वेलकम मनीष जी ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दी अपकमिंग फिल्म गदर 2। जिस तरह से 2001 के वक्त उस दौरान, मतलब वो बॉलीवुड का अलग ही दौर था जब गदर फिल्म आई, और अब जहाँ पर अमरीश पुरी जी को हमने देखा, और इस बार आप जो है मुख्य विलन का किरदार निभा रहे, किस तरह से ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, क्या कुछ कहानी स्टोरी रही है? ये बहुत सारे सवाल एक साथ हैं। तो ये एक फिल्म मैंने की थी श्याम सिंगर रॉय, साउथ की फिल्म है, तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक विलन था, जो बस उससे हमारे जो फाइट मास्टर हैं रवि वर्मा जी, उन्होंने वहाँ मुझे रिकमेंड किया अनिल जी के पास, क्योंकि अनिल जी विलन ढूंढ रहे थे, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्हें मैं पसंद आया। फिर मैं सनी पाजी से मिला, उन्होंने मिलवाया मुझे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, कि जैसे बात हुई कि अब तक अमरीश पुरी जी को उसमें आपने देखा, अशरफ अली को, और गदर में क्या, मैं तो ये कहूँगा उनकी कोई भी फिल्म देख लो, अमरीश जी का अपना एक रुतबा, अपना एक अंदाज है। ये मेरा गुड लक है कि मैं गदर का हिस्सा बना, और उनके गाइडेंस में जितना जो हमारे राइटर हैं उन्होंने जिस तरह मुझे सुनाया पहले, फिर अनिल जी ने जिस तरह मुझसे करवाया, और साथ में ही इनपुट्स जो हैं सनी पाजी के मिलते रहे, और चीज़ें आसान होती गई। बिल्कुल, जहाँ पर अमरीश पुरी जी का जिक्र आता है, बॉलीवुड का वो एक दौर था जब उन्होंने अलग अलग जो विलन के किरदार निभाए, एक इम्पैक्ट उनका अलग ही था, और अब उनकी जगह पर आपका इस फिल्म में आना, मतलब वो बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, तो किस तरह से आपने इस चीज़ को लिया है? मैंने वही कहा कि जब उन्होंने कहा कि देखिए, सनी पाजी ने कहा कि इस वक्त विलन इंडस्ट्री में नहीं है जिसको आप विलन कह सकें, बहुत सारे एक्टर्स हैं, हीरोज हैं जो विलन कर रहे हैं, वो जो एक मार्क था ना, प्राण साहब हैं, अमरीश जी हैं, तो एक विलन का एक मार्क होता था कि हाँ ये अजीत साहब हैं, ये एक विलन है, तो अभी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से विलन नहीं है, जो उन्होंने मुझे जिस तरह से कहा, हालांकि हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं उसमें विलन होते हैं, एक स्पेसिफाई अंडरलाइंड विलन नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत बड़ी बन जाएगी, एक तो गदर को लेकर भी और विलन को लेकर भी, तो मैंने कहा कि आप मुझसे करवा लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो कर पाऊँ, बस ये एक दबाव डेफिनेटली था उस वक्त। ओके, सनी देओल जी का जिक्र आया तो उनके बारे में पूछना चाहेंगे, कैसे कैसा रहा उनके साथ शूट करना, आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज मैनी फाइट सीक्वेंसेस जो हुए उनके साथ, फाइट सीक्वेंस हुए, ड्रामा सीक्वेंस हुए, बहुत मतलब कहा सुनी जो कह सकते हैं वो ही है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसानी से, बहुत ईजीली काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई सेट पर, एंड इज़ वेरी काम, बहुत शांति से अपने काम पे पूरा कंसंट्रेशन है उनका, जो मुझे भी सीखने को मिला कि ऐसे इस तरह से काम किया जा सकता है। फिर मुझे बताते रहे कि थोड़ा सा ऐसा करें, तो ये नहीं बोलेंगे आप ऐसा ही कर लो, ऐसा करें तो आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको इस तरह से करके देखिए, ऐसा भी करके देखिए, तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सीखने को मिला। कुछ मजेदार किस्से, कुछ फन बीटीएस अगर आप हमसे शेयर करना ड्यूरिंग वही जो मैंने कहा, बता रहा था मैं किसी को कि फाइट सीक्वेंस होता है जहाँ बिल्कुल एंगर में है और हाइपर, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, फाइट मास्टर आपसे कुछ चाह रहे होते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन भी वैसे होते हैं कि आप मार खा रहे हैं या मार रहे हैं, एंड उस वक्त जब आपका कट होता है और सनी पाजी बोलते हैं लगी तो नहीं पंजाबी में उन्होंने पूछा, एंड इट वॉज सो, मतलब कितना आप केयर करते हैं आप दूसरे की भी, कि कोई बाई चांस लग गई हो, मैंने ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया हो या कुछ, बहुत आसानी से, बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, ये सिर्फ फाइट की थी, बाकी डायलॉग्स में भी उन्होंने बड़ा, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। कहानी की अगर बात करें तो ट्रेलर से पता चल ही रहा है कुछ, जो स्टोरी एकदम इम्पैक्टफुल बना की कोशिश की है, उनके बेटे हैं वो पाकिस्तान में आते जी, किस तरह से उनका रोकना, मैं तो पाकिस्तान में उनका स्वागत करने के लिए पहले बैठा हूँ तो वो आपको मैं सारा नहीं बता पाऊंगा कि मैं कैसे उसका हिस्सा बना, मैं इससे गदर से कैसे जुड़ा, मतलब वो कैरेक्टर कैसे जुड़ा, और बाकी इसका क्या उनसे लेना देना है, अशरफ अली तो है नहीं, वो तो
एक अलग चीज थी, अलग विलन, अलग वो सकीना के फादर थे, बट इसका क्या लेना देना है उन कैरेक्टर्स से, वो पाकिस्तान में कैसे आए, क्या हुआ, वो आपको फिल्म दे स्टोरी भी वो भी खुलेगी जब जी, बहुत सारी चीजें खुलेंगी और एट द सेम टाइम आपको एक बहुत प्यारा मैसेज भी मिलेगा। जबकि मैं बताऊं, हम हर फिल्म में मैसेज देखते हैं और कोई नई बात नहीं होती किसी भी मैसेज में। अच्छा ये होता है, आप 100 होटल्स में खाना खाने जाते हैं, हर जगह वही सेम खाने मिलते हैं, आपको बेस्ट होता है कि आपको कैसे परोसा गया, उसको कितने प्यार से खिलाया गया। तो बस यही है, गदर में भी ये कोशिश है कि वो उस मैसेज को किस तरह से आपको वो मिलता है, कैसे समझाया जाएगा, दैट इज वंडरफुल। ओके, डायरेक्टर सर अनिल जी की अगर बात करें, उनके साथ एक्सपीरियंस करना कैसा रहा? क्योंकि बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वो इतने आसान कर देते हैं चीज़ों को। मुझे याद है कि वो कई बार सीन जब हैवी होता है तो वो एक दिन पहले ही शाम को, हम आउटडोर्स में ही थे, शाम को ही बोल देंगे पैकअप के वक्त कि डिनर के बाद मिलते हैं, कुछ सोचेंगे कल के लिए। यानी वो ही इज़ ऑलवेज इन टू इट, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कभी सोता भी होगा, मैं आपको सच बताऊँ। वो सिर्फ इस बारे में, गदर गदर मतलब ये करना, अब ये इसका ये पार्ट है, प्रोडक्शन भी संभाल रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ विलन को नहीं संभाल रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सबको एक साथ वो करके रखा हुआ है, कमाल है। उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा। एंड लोकेशंस इतनी अमेजिंग रही जो हमने देखी, एकदम रियल लोकेशंस एंड ऑल, उसके बारे में कुछ कहना है, कहां-कहां शूटिंग हुई है, किधर किस तरह? देखिए पंजाब वाला जो उस तरफ वाला पोर्शन है, पठानकोट और वो धर्मशाला और उस तरफ शूट हुआ है, मनाली में शूट हुआ है। बाकी कुछ पोर्शंस हमारा जो जो सपोज टू भी पाकिस्तान है वो दिखाया है, तो वो लखनऊ है, अहमदनगर है जो क्लाइमैक्स पोर्शन है पूरा, कुछ और गली और चीज़ें भी हैं। तो फिर बॉम्बे में भी हमने कुछ दिनों में कुछ दिन उसका पैच वर्क और कुछ चीज़ें की यहाँ पर भी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोकेशंस तो डेफिनेटली 100% डालती हैं, और एक डायरेक्टर का एक विजुअल होता है, डायरेक्टर की एक सोच होती है कि मैं उसे कहाँ दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, इस किरदार को निभाते वक्त कोई चैलेंजेस आपको आए, कुछ शेयर करना चाहेंगे? चैलेंजेस यही थे कि पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक बहुत बड़ा, कि अमरीश जी थे उसमें, लोग भी जब मिलने मुझे वहाँ सेट पर भी आते थे, और सेट पर आपस में भी 100 लोग 150 लोग जो हमारी यूनिट के भी थे, उनके मन में भी था कि एक अमरीश जी थे वहाँ जो काम कर रहे थे, अब आप आए हैं, तो बड़ी बड़ा प्यार मिल रहा था एट द सेम टाइम वहीं पर शूटिंग में भी। तो ये वाली चीज़ें थी। उसके अलावा इसको कैसे करें, कहाँ तक सोचें, इसको लाइन्स को कैसे वो करें, बस मैंने वही किया जो आज तक सीखा, कि लाइन्स को जिस तरह से डायरेक्टर ने लिखा है, डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है, मैं वो उतना ही करूं, उससे ज़्यादा अपने इनपुट्स दे सकता हूं कि मैं क्या करूंगा। अगर उनको पसंद आते थे वो मुझे ज़रूर बोलते थे कि हाँ ये बहुत सही है, ऐसा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इस किरदार की कोई खास बात जो आपको अच्छी लगती है? बहुत सारी हैं, आपको फिल्म देखकर पता चलेगी। मेरा लोग डेफिनेटली यही बोलते हैं ना कि क्या आपका आपका ये ड्रीम रोल क्या है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ड्रीम रोल बन जाता है लोगों के लिए जी। जब आपको एक कैरेक्टर कर लेते हैं, जैसे अरे जैसे चाणक्य मेरा ड्रीम रोल था, वो बन गया, लोगों ने उसको बना दिया इतना बड़ा। अब जैसे ये है विलन का कैरेक्टर है, जो जनरल का कैरेक्टर है, ये अपने आप में एक, अब लगता है कि अरे शायद मैं ऐसा सोचता कि ये मैं कर लेता अगर मैं ना होता, तो मैं कर ही रहा हूँ तो शायद लोगों को ये इंस्पायर करेगा। इस फिल्म की कोई खास बात जो आपको स्पेशल थिंग? गदर है अपने आप में बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। गदर टू बहुत सारी चीज़ें अच्छी जुड़ी हुई हैं इस फिल्म के साथ। इसका म्यूज़िक है, इसके एक्शन है, इसके इसका जो ड्रामा है, इसकी जो राइटिंग है, और ओवरऑल जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने जिस तरह से उसको बैकग्राउंड म्यूजिक है, देखिए मैं किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं वो नहीं कर सकता, हर आदमी हर जो बंदा है उसके साथ लगा हुआ है, मेरी आवाज़ को कितना दिखाना है, कितना कहाँ तक उसको माइनस करना है, प्लस करना है, वो सारी चीज़ें सब लगे हुए हैं कि किस तरह गदर को गदर बनाया जाए। ओके, वेल टेलीविजन थिएटर हो और बॉलीवुड हो, हर जगह पर आपने अलग अलग अंदाज में लोगों का दिल जीता है। और भी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ होंगे, जरूर कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी मैं कुछ आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त ध्यान मैं नहीं चाहता कि मेरा भी और ऑडियंस का भी भटके कि मैं और कुछ कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ गदर कर रहा हूँ, और गदर देखें तो गदर के बाद तो अपने आप पता चल ही जाएगा क्या क्या होगा। बिल्कुल, अभी 11 अगस्त को ही जी जी, बस 10-11 दिन बचे हैं। तो किस तरह से फीलिंग, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या कुछ है? दोनों है, और खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है,
मेरी मम्मी नहीं है अब, उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे साथ, जो वो हमेशा बोलती थी अगर वो होती तो आज वो देखती। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ, मेरे गुरु हैं, मेरे सदगुरु हैं, उनका आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का प्यार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी सारी चीज़ें मैं कहूँ वो कम है। नर्वसनेस डेफिनेटली वो उसी को लेकर है कि कितना लोग कैसे उसको हाथों हाथ लेंगे। आज तक इतना प्यार दिया है सबने, आगे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही प्यार दें। जी, हम जहाँ तक हमने ट्रेलर देखा है, अमेजिंग योर एंट्री, फिर उनका इंटरेक्शन सनी से यानी तारा सिंह से, काफी अमेजिंग सारी चीजें रही है। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू। एंड कुछ अपने फैन से कहना चाहेंगे, जो चाणक्य हो, कंस हो, हर एक टेलीविजन हो, थिएटर हो, हर वक्त आपको प्यार दिया और फिल्मों में भी, और अब क्या कुछ अपने फैंस को कहना चाहेंगे? इतना यही जो मैंने अभी अभी कहा कि जिस तरह मुझे हमेशा हर कैरेक्टर के लिए प्यार दिया है, इसके लिए भी मुझे उतना ही प्यार दें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर के लिए कोई भी पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल या कैरेक्टर रोल नहीं होता, एक रोल होता है, उसे एक एक्टर बस उसे निभाता है और उसमें वो रम जाता है, फिर आप हैं जो उसे बनाते हैं। आपने जैसे मुझे हमेशा बनाया है, आगे भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।